समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है, तो वहीं अब वो रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे। कारण, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं। हमने आरओ 37 नगर विधानसभा से ये मांग की थी कि चूंकि आजम खान को निचली कोर्ट से सजा हो चुकी है, तो उनका जो वोट देने का अधिकार है उसको वो समाप्त किया जाए, क्योंकि ये नियम है आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत। अगर किसी को सजा होती है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है। हमने ये मांग की थी और हमने ये कहा था कि इसकी जांच करके ये नाम काटा जाना चाहिए। कल ये पत्र दिया था तो इस पे जांच हुई और सही पाया। वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। आसिम रजा ने विक्रम सैनी पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी एजेंसी बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। देखिए, आजम खान के खिलाफ जो पूरा एक फर्जी बाड़ा चल रहा है, फर्जी मुकदमे कायम करके और उनको जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, कानून से ऊपर जाकर जो काम किए जा रहे हैं, वो बीजेपी की इस नीयत को दर्शाता है कि किसी न किसी तरह आजम खान को राजनीतिक तौर पर नुकसान कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनकी राजनीतिक शक्ति को जितनी मुमकिन हो सकता हो नुकसान पहुंचा दिया जाए। आजम खान साहब की राजनीतिक हैसियत और रामपुर इस वक्त बीजेपी के टारगेट पे है। ये बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है जो आज हुआ है, और कितने अफसोस की बात है कि 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी जो खतौली के विधायक थे उनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया, चुनाव आयोग और विधानसभा सचिवालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। 27 अक्टूबर को आजम खान के खिलाफ एक बात आई तो 28 अक्टूबर को उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी, और जब ये बात उठाई कुछ लोगों ने विक्रम सैनी का मसला, तो उनकी सदस्यता खत्म की गई। आपको बता दें कि मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 2000 का अर्थदंड भी लगाया है, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का शिकायत पत्र दिया था, जिसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचरण साबित हो जाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का नियम का हवाला दिया गया था। आकाश सक्सेना की इसी शिकायत के बाद आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। गौरतलब है कि रामपुर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा और बीजेपी से आकाश सक्सेना मैदान में है।